गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे बच्चों आप सब? और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इस समय हमारी यूनिट नंबर 10 चल रही है और उसका नाम है इकोलॉजी। इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इसको कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद जो हम लोग ने सेकंड चैप्टर उठाया है वो उठाया हुआ है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के अभी तक टोटल हम लोग ने सिंगल लेक्चर्स लगाए हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की। इसमें हम देखेंगे कि एरिया के साथ स्पीसीज की रिचनेस में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या एरिया को बढ़ाने से लगातार स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी या न्यूट्रल रहेगी। इन सभी चीजों की बात आज के लेक्चर्स में हम लोगों को करनी है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें इस ग्राफ के माध्यम से समझना है, और ये ग्राफ क्या बोलता है, और ये ग्राफ्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट है हमारे नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि स्पीसीज की रिचनेस का एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पर लिखा हुआ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, और इसको दिखाने के लिए प्रॉपर ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ग्राफ के नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि स्वयं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। एक्चुअली ये जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि अगर एरिया हम बढ़ाते जाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस पे इसका क्या असर पड़ेगा और कैसा ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा। ये कह रहे हैं कि आपको जब एरिया आप बढ़ाएंगे स्पीसीज की रिचनेस के साथ, आपको मुख्यतः दो तरीके के ग्राफ मिलते हैं। यस, एक ग्राफ मिलेगा जो आपको लॉग लॉग स्केल पे मिलेगा, और दूसरा जब स्पीसीज रिचनेस को आप देख रहे हैं, एरिया जैसे जैसे बढ़ रहा है स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ रही है, तो एक आपको हाइपरबोला का जो ग्राफ है वो देखने को मिलता है। चलिए जरा इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कहता क्या है। देखो बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक पॉइंट अगर हम ले, यहां पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं, यहां पर लेते हैं, तो यहां पर पॉइंट क्या है, जीरो। मतलब यहां पर अभी एरिया जीरो है तो स्पीसीज की रिचनेस भी जीरो है। अब हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमने यहां पर लिया, मतलब एरिया हमने जीरो से लेके यहां तक बढ़ा दिया। तो जब हम इसको बढ़ाते हैं तो हम यहां पर देखते हैं, और क्या देखते हैं कि जैसे हमने यहां पर बढ़ाया तो यहां पर एक लाइन टच कर रही है ये लाइन, और जब इसको हम यहां पर मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि जो स्पीसीज की रिचनेस थी वो जीरो से इस पॉइंट पर पहुंच गई। मतलब हमने जैसे एरिया बढ़ाया स्पीसीज की रिचनेस बढ़ी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एरिया यहां तक ले लिया, अब यहां से यहां तक बढ़ा दिया। फिर जब हमने इस लाइन को यहां पर मिलाया तो हमने देखा स्पीसीज की रिचनेस पहले यहां पे थी और अब स्पीसीज की रिचनेस यहां पहुंच गई। मतलब स्पीसीज की रिचनेस बढ़ी जैसे हमने एरिया बढ़ाया। फिर जरा देखते हैं, फिर हमने यहां पर एरिया को यहां तक ले आए, एक्सटेंड हमने यहां पर किया। फिर जब हमने इस लाइन को इससे मिलाया तो हमने देखा स्पीसीज की रिचनेस अभी भी बढ़ी है। यस, और फाइनली जब हमने एरिया को यहां तक एक्सटेंड कर लिया और इस लाइन को जब हमने यहां पर मिलाना चाहा तो हमने देखा कि स्पीसीज की रिचनेस तो नो डाउट बढ़ी, यहां से यहां तक देखिए बढ़ी, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ी जिस मात्रा में पहले बढ़ी थी। और फाइनली आप उस समय बाद देखेंगे कि फाइनली अगर इस पॉइंट तक एरिया को आप ले लें तो यहां पर आप देखेंगे कि स्पीसीज की रिचनेस अब धीरे धीरे स्टेबल हो चुकी है, और अब आगे आपको स्पीसीज की रिचनेस एरिया के बढ़ाने के साथ बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। अगर हम इसको सिंपल माध्यम से समझे बच्चों कि स्पीसीज की रिचनेस का मतलब क्या है, हम मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है और ये एरिया 5 वर्ग किलोमीटर का है। कितने का है बच्चों? 5 वर्ग किलोमीटर का है। हम यहां पर मान लेते हैं कि स्पीसीज जो टाइप ऑफ स्पीसीज है यहां पर आपको 100 तरीके की स्पीसीज देखने को मिल रही है। फिर हमने एरिया थोड़ा सा और बढ़ाया, हमने एरिया 5 किलोमीटर से बढ़ा के कितना कर दिया, 10 किलोमीटर कर दिया। तो हमने देखा यहां पर जो 100 स्पीसीज थी अब ये 200 किलो, ये जो 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के एरिया में हमने देखा कि स्पीसीज की रिचनेस यहां पर 100 थी तो यहां पर 150 होगी, मतलब बढ़ी। फिर हमने एरिया थोड़ा सा और बढ़ाया तो एरिया बढ़ाने पर हमने देखा कि अब जो स्पीसीज की रिचनेस पहले 100 थी, 150 थी, लेकिन यहां पर अभी भी स्पीसीज की रिचनेस 150 ही बनी हुई है। मतलब अब स्पीसीज की रिचनेस आगे नहीं बढ़ी। स्पीसीज का रिचनेस का मतलब होता है कि कन्फाइंड एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, इसको बोलते हैं स्पीसीज की रिचनेस। क्लियर है बच्चों?
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब धीरे धीरे जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाएंगे, वैसे शुरुआत में तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन अप टू एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही इसके बाद स्पीसीज की रिचनेस स्टेबल हो जाएगी। यही ग्राफ यहां पर दिखाया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे एरिया को आप बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर स्पीसीज की रिचनेस स्टेबल हो जाएगी, अब आगे नहीं बढ़ेगी। और फाइनली जब आप इस पॉइंट को, सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो आपको ये जो स्काई ब्लू कलर का ग्राफ मिल रहा है, यही ग्राफ होता है जिसको बोलते हैं हाइपरबोला ग्राफ। यही जो ग्राफ है बच्चों, ये होता है हाइपरबोला, आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसी रिलेशनशिप को, किसको, स्पीसीज रिचनेस के एरिया के साथ रिलेशनशिप को अगर आप लॉग लॉग स्केल पे बच्चों दिखाना चाहें, तो लॉग लॉग स्केल पे यही रिलेशनशिप आपको एक लीनियर लाइन के रूप में प्राप्त होगी, जहां पर हाइपरबोला में आप यहां पर देख रहे हैं जो स्पीसीज रिचनेस और एरिया के साथ जो रिलेशनशिप था, इसके इक्वेशन को हमने एस बराबर सी ए की पावर जेड से जो डिनोट किया है। अगर लॉग लॉग स्केल पे अगर इसी इक्वेशंस को हमें डिनोट करना हो बच्चों, तो इस इक्वेशन को हम जो डिनोट करेंगे, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए से डिनोट करेंगे। मतलब ये ग्राफ फाइनली ये बता रहा है कि अगर हम लॉग लॉग स्केल पे अगर स्पीसीज रिचनेस को एरिया के रिलेशनशिप के रेफरेंस पे देखेंगे, तो हमें लीनियर लाइन प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम जनरल वे पे आप देखें, तो स्पीसीज की रिचनेस एरिया के साथ अगर रिलेशनशिप में देखेंगे, तो आपको एक हाइपरबोला ग्राफ यहां पर प्राप्त होगा। चलिए जरा इस ग्राफ से रिलेटेड उन सारे पॉइंट्स को अब जरा हम देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला पॉइंट कहता है कि साइंटिस्ट है जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने अपना जब वर्क कर रहे थे साउथ अमेरिका के जंगल में, तो उन्होंने, चूंकि ये ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट थे और जियोग्राफर थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि विद इन अ रीजन, एक रीजन के अंतर्गत जो स्पीसीज की रिचनेस होती है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। मतलब जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी। लेकिन फिर ये क्या कहते हैं, बट ओनली अप टू ए लिमिट, लेकिन एक लिमिटेशन तक। अगर आप एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो स्पीसीज की रिचनेस स्टेबल हो जाएगी, फिर वहां पर आपको स्पीसीज रिचनेस नहीं मिलेगी। यही उन्होंने यहां पर इस तरीके से ग्राफ में शो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दैट इज वाई जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विल फॉर्म, और अगर आप एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो स्पीसीज की रिचनेस मिलेगी, लेकिन एक अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट तक। और इसके फलस्वरूप जो ग्राफ आपको मिलेगा बच्चों, वो ग्राफ मिलेगा कैसा, वो मिलेगा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ विल बी फॉर्म्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको माइंड में जरूर रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ओके चलिए थोड़े से पॉइंट्स को और आगे बढ़ाते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये जो ग्राफ है, अगर आप इसको एक इक्वेशंस के फॉर्म पे अगर आप लिखना चाहें, तो इक्वेशन बनेगा एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। अब यहां पर एस का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर इसी इक्वेशंस को अगर आप एक लॉगरिथमिक स्केल पे अगर आप देखें, तो यहां पर जो रिलेशनशिप आपको मिलेगा, कौन सा रिलेशनशिप, एरिया का स्पीसीज रिचनेस के साथ, तो बच्चों यहां पर जो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, देख रहे हैं आप, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है जो, और इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम इक्वेशंस के फॉर्म पे अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें बच्चों, तो ये जो इक्वेशन आएगा वो आएगा लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जो कि यहां पर इस तरीके से लिखा गया है। यहां पर अगर आप देखें बच्चों, तो एस का मतलब होता है स्पीसीज की रिचनेस, ए क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है ए फॉर एरिया, जेड क्या डिनोट कर रहा है, जेड डिनोट कर रहा है स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब स्लोप ऑफ लाइन की स्लोप कैसी है, ढलान कैसा है, स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और जो सी डिनोट कर रहा है, यस सी अगर हम बात करें यहां पे बच्चों, यहां पर तो सी डिनोट कर क्या कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से हम
अगर लॉग लॉग स्केल पे अगर इस इक्वेशंस को अगर एक्सप्रेस करना चाहे तो बच्चों इक्वेशन आएगी लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो लॉग लॉग स्केल पे जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। और अगर हम जनरली वे पे देखें तो हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राप्त होता है जब हम स्पीसीज रिचनेस और एरिया की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए और जरा पॉइंट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इस ग्राफ के रेफरेंस में, कहता है कि जो जेड की वैल्यू है, जेड का मतलब क्या है, अभी हमने पीछे क्या देखा है, जेड क्या है जरा बच्चों जरा एक बार फिर से देख लो, जेड क्या है, जेड है स्लोप ऑफ द लाइन, जो लाइन की ढलान है, स्लोप ऑफ द लाइन, जो स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो जेड की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, मतलब ढलान इंक्रीज करेगी, इट मींस स्पीसीज रिचनेस विल आल्सो इंक्रीज। आप देख रहे हैं जब हमने यहां पर जीरो माना था, यहां पर एरिया भी जीरो है, स्पीसीज रिचनेस भी जीरो है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि यहां पर लाइन में कितनी ज्यादा ढलान है, बहुत ज्यादा तीखी ढलान है। तो तीखी ढलान का मतलब है कि जैसे जैसे एरिया को बढ़ाएंगे स्पीसीज की रिचनेस भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। तो याद रखेगा तो जेड लाइन है कि जेड की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि स्पीसीज रिचनेस विल आल्सो बी इंक्रीज। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है ये, या स्टेटमेंट के फॉर्म पे ये हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया कि जो जेड लाइन की वैल्यू है इसकी जो रेंज है, अगर हम इसके रेंज की बच्चों बात करें, इसकी जो रेंज है वो आती है 0.1 से लेके 0.2 के बीच में। कितनी रेंज है, 0.1 से लेके 0.2 के बीच में। चाहे हम बात टैक्सोनॉमिक ग्रुप की करें या हम किसी रीजन की बात करें, चाहे ये पर्टिकुलर प्लांट्स ब्रिटेन के हो या बर्ड्स की बात हम कैलिफोर्निया की कर लें या न्यूयॉर्क में उपस्थित मोलस्का की कर लें या न्यूयॉर्क स्टेट की बात कर लें, जो स्लोप होगा, जो रिग्रेशन होगा लाइन का, वो हमेशा हर जगह एक जैसी लाइन आपको देखने को मिलेगी। फिर से मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूं, ये क्या कह रहा है कि जो जेट की लाइन की जो रेंज है वो आप 0.1 से 0.2 के बीच में मिलेगी। जेट लाइन का मतलब क्या है, जेट लाइन का मतलब होता है कि स्पीसीज की जो रिचनेस है वो इंक्रीज करेगी। अगर हम धीरे धीरे अगर एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी। चाहे हम इस बात कर ले ब्रिटेन में प्लांट की, तो ब्रिटेन में अगर कोई एरिया है, अगर हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं तो स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी। सेकंड क्या कर रहे हैं, अगर हम बात करें बर्ड्स की कैलिफोर्निया में, तो अगर कैलिफोर्निया में बर्ड्स हैं तो कैलिफोर्निया का अगर हम एक छोटा सा रीजन लेंगे और फिर रीजन को बढ़ाएंगे तो पहले छोटे रीजन में स्पीसीज रिचनेस, फिर अगर हम बड़ा करेंगे तो स्पीसीज रिचनेस ज्यादा मिलेगी, और बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो एक लिमिटेशन आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें न्यूयॉर्क स्टेट में उपस्थित मोलस्का की, तो वहां पर भी स्पीसीज रिचनेस का एरिया के साथ जो रिलेशनशिप मिलेगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा। मतलब तीनों जगह पे आपको स्पीसीज रिचनेस का एरिया के साथ रिलेशनशिप हमेशा आपको कैसा मिलेगा, अगर मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में, और अगर हम लॉग लॉग स्केल पे बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलेगा, और इसकी वैल्यू हमेशा 0.1 से 0.2 के बीच में ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो स्पीसीज एरिया का रिलेशनशिप है, वेरी लार्ज एरिया में, अगर हम एक बहुत बड़े एरिया की बात करें, जैसे मान लो किसी कॉन्टिनेंटल्स की बात करते हैं, तो आप पाएंगे कि वहां पे जो स्लोप होती है लाइन का, जो लाइन की ढलान है, जो लाइन की ढलान है, स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर, वहां पर ढलान आपको ज्यादा मिलेगा। अर्थात जेट की वैल्यू इन द रेंज ऑफ, वहां पर जेट की वैल्यू की जो रेंज है वो 0.6 से 1.2 हो जाएगी। जो पहले एक लिमिटेड एरिया में आप देख रहे थे वो कितनी थी, 0.1 से 0.2, लेकिन अगर यही वैल्यू, अगर जेट की लाइन की वैल्यू को अगर हम किसी कॉन्टिनेंट्स के रेफरेंस में बात करें बच्चों, तो वहां पर ये वैल्यू 0.1 से 0.2
जहां पर रहती है वहां से बढ़ के ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.6 से लेके 1.2 तक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, एग्जांपल आप देखें, जैसे आप कोई फ्रूटिंग ईटिंग बर्ड्स हैं जिसको फ्रुगिवोरस बोलते हैं, बर्ड्स हैं और मैमेल्स हैं, किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप देखें जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है, तो वहां पर जो स्लोप आपको देखने को मिलेगा बच्चों वो कैसा मिलेगा, वहां पर स्लोप की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.15। यस, तो दूसरे शब्दों में हम कहें बच्चों कि अगर जब भी हम जेड वैल्यू या जेड लाइन की बात हम करें, अगर कॉन्टिनेंट्स के केस में एक बहुत बड़े एरिया के रेफरेंस में, तो वहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.6 से 1.2 के बीच में। लेकिन अगर एक हम बहुत बड़े कॉन्टिनेंट्स की बात ना करके एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, एक विलेज की बात कर लें, तो वहां पर जो आपको वैल्यू मिलेगी बच्चों वो मिलेगी 0.1 से लेके 0.2 की, और वो एरिया कहीं का भी हो सकता है, चाहे वो न्यूयॉर्क का हो या स्कॉटलैंड का हो या आप कहीं का भी देखें, आपको जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे रिचनेस मिलेगी, लेकिन अप टू एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। तो फाइनली बच्चों जो हम लोगों को वैल्यू याद रखनी है उसको जरा आप देख लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है। तो आपने यहां पर क्या देखा, पहला आपने ये देखा कि नॉर्मल में जो वैल्यू आपको मिलती है जेट लाइन की वो मिलती है 0.1 से 0.2। अगर इस वैल्यू की अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स के रेफरेंस से बच्चों, तो ये वैल्यू हो जाती है 0.6 से 1.2। और अगर हम बात करें एक फ्रुगिवोरस जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं और मैमल्स के रेफरेंस में, और अगर ये तो यहां पर ये वैल्यू मिलती है आपको 1.15। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने समझा इस पर्टिकुलर ग्राफ को कि ये ग्राफ क्या बताता है। और फाइनली अगर कुछ शब्दों में हम इसको एक समराइज वे में कहना चाहें तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि अगर हम नॉर्मल बात करें और एरिया हम बढ़ाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी और उसे उसमें हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ मिलेगा, पहला पॉइंट। सेकंड, अगर इस ग्राफ को हम लॉग लॉग स्केल पे देखेंगे तो यहां पर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर नॉर्मल की हम बात करें तो वहां पर नॉर्मल पे आपको जो इक्वेशन मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में वो एस बराबर सी ए की पावर जेड होगा, और अगर लॉग लॉग स्केल पे बात करें तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने समझा कि स्पीसीज रिचनेस का एरिया के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप होता है और क्या क्या चीजें ग्राफ में बताई गई हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग ने क्लियर किया। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है यस, तो आपको इस लेक्चर को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और अगर ये सेशन आप यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चों तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।